subscribe to Oxtrix Technologies channel and press this bell icon to get notification. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू Oxtrix Technologies यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करने लगा हूँ इस इंटीग्रेटेड सर्किट को, जो कि है 7294 TDA7294 इंटीग्रेटेड सर्किट। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर प्लानिंग दिस इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि 7294 के ऊपर अगर आप काम करना चाह रहे हैं, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसकी जो कि आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि आप जिस आईसी के ऊपर काम कर रहे हैं उसकी स्पेशलिटीज़ क्या क्या हैं। तो मैं इसमें आपको टोटल 5 चीज़ें बताऊंगा, यानी कि 5 मैं इसकी आपको स्पेशलिटीज़ बताऊंगा इस इंटीग्रेटेड सर्किट की। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 फ्रेंड्स, ये एक मल्टीवॉट पैकेज है, मीन्स के ये एक हाई एंड जो हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं ये उस कैटेगरी में आता है, क्योंकि हमारे पास जो ये आईसी है ये 15 पिन आईसी है। ठीक है, TDA7294 इज़ ए 15 पिन आईसी और ये हाई कैटेगरी के अंदर आता है। और इसके अलावा जो आपको पता है, जो अगर आप इसकी डाटा शीट को देखें तो हमें पता चलता है कि 60 से लेकर 70 वॉट्स ही हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी पहली बात कि ये मल्टी वॉट पैकेज है और ये हाई एंड कैटेगरी के अंदर आता है ऑडियो एम्पलीफायर्स की। नंबर सेकेंड नंबर पे गाइस, जो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर जो आपको वॉटेज मिलती है 60 से लेकर 70 वॉट्स तक, अगर आप इसको देते हैं 25+25 वोल्ट्स एसी, मींस के जो बनती है टोटल, अगर आप डीसी में जब वो कन्वर्ट होती है, मतलब जब कैपेसिटेंस से वो गुजरती है, तो आपको वो मिल जाती है 35+35 के बीच में, और उस वोल्टेज के अंदर ये आपको मैक्सिमम पावर प्रोवाइड करता है। और ये जो पावर मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये मैं सिंगल सर्किट की बात कर रहा हूँ, मीन्स कि अगर आप सिंगल सर्किट एप्लीकेशन इसकी यूज़ करते हैं, जो कि हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है, आप देख सकते हैं, नीचे लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका दे दिया उस वीडियो का। सो फ्रेंड्स, बात हो रही थी इसकी वोल्टेज की, 60 से लेकर 70 वॉट्स आप इस सिंगल आईसी से ऑब्टेन कर सकते हैं जब आप इसको 25+25 वोल्ट्स एसी देते हैं। ठीक है, और अगर आप इससे कम भी इसको वोल्ट्स दे रहे हैं, मीन्स कि अगर आप इसको 22+22 इवन 20+20 या 18+18 भी दे रहे हैं, तो भी आपको ये बहुत अच्छी एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोवाइड करेगा। और इसको ज़्यादा अगर एम्पेयर्स नहीं भी मिल रहे, तो फिर भी आपको ये बड़ा अच्छा काम करके देगा, मीन्स कि आपको जो आउटपुट है काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करेगा। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट के अंदर गाइस, हमारा जो है इसके अंदर आ जाता है म्यूट एंड स्टैंड बाय फंक्शन। सो इट्स अ वेरी गुड फीचर इन दिस इंटीग्रेट सर्किट, मतलब कि आपको किसी एक्सटर्नल सर्किट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसके अंदर ही बिल्ट इन जो कि 9 और 10 इसके पिन्स हैं, वहाँ पे आप म्यूट एंड स्टैंड बाय फंक्शंस को एक्टिव कर सकते हैं। ये हो गए गाइस 3 पॉइंट्स। नंबर 4 यानी कि 4th पॉइंट के ऊपर जो इसकी सबसे बेस्ट बात है फ्रेंड्स, वो ये है कि इसके अंदर आपको मिलता है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, मीन्स के अगर ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, अगर आउटपुट के ऊपर अगर शॉर्ट सर्किट हो भी जाए, तो ये जो इंटीग्रेट सर्किट है इसके अंदर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन इंस्टॉल्ड है। और उससे क्या होगा कि अगर लोड के ऊपर आपके स्पीकर के अंदर कोई भी इशू हो गया या आपसे कनेक्शन करने में कोई प्रॉब्लम हो गया, तो आईसी ऑटोमेटिकली अपने आप को कुछ सेकेंड्स के लिए ऑफ कर देगा। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके आउटपुट के ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई भी है और आप उसको आराम से रेक्टिफाई कर सकें। ये इस आईसी का सबसे बेस्ट फीचर इन दिस इंटीग्रेट सर्किट, मतलब कि आपको किसी एक्सटर्नल सर्किट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसके अंदर ही बिल्ट इन जो कि 9 और 10 इसके पिन्स हैं, वहाँ पे आप म्यूट एंड स्टैंड बाय फंक्शंस को एक्टिव कर सकते हैं। ये हो गए गाइस 3 पॉइंट्स। नंबर 4 यानी कि 4th पॉइंट के ऊपर जो इसकी सबसे बेस्ट बात है फ्रेंड्स, वो ये है कि इसके अंदर आपको मिलता है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, मीन्स के अगर ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, अगर आउटपुट के ऊपर अगर शॉर्ट सर्किट हो भी जाए, तो ये जो इंटीग्रेट सर्किट है इसके अंदर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन इंस्टॉल्ड है। और उससे क्या होगा कि अगर लोड के ऊपर आपके स्पीकर के अंदर कोई भी इशू हो गया या आपसे कनेक्शन करने में कोई प्रॉब्लम हो गया, तो आईसी ऑटोमेटिकली अपने आप को कुछ सेकेंड्स के लिए ऑफ कर देगा। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके आउटपुट के ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई भी है और आप उसको आराम से रेक्टिफाई। फीचर इन दिस इंटीग्रेट सर्किट, मतलब कि आपको किसी एक्सटर्नल सर्किट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसके अंदर ही बिल्ट इन जो कि 9 और 10 इसके पिन्स हैं, वहाँ पे आप म्यूट एंड स्टैंड बाय फंक्शंस को एक्टिव कर सकते हैं। ये हो गए गाइस 3 पॉइंट्स। नंबर 4 यानी कि 4th पॉइंट के ऊपर जो इसकी सबसे बेस्ट बात है फ्रेंड्स, वो ये है कि इसके अंदर आपको मिलता है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, मीन्स के अगर ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, अगर आउटपुट के ऊपर अगर शॉर्ट सर्किट हो भी जाए, तो ये जो इंटीग्रेट सर्किट है इसके अंदर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन इंस्टॉल्ड है। और उससे क्या होगा कि अगर लोड के ऊपर आपके स्पीकर के अंदर कोई भी इशू हो गया या आपसे कनेक्शन करने में कोई प्रॉब्लम हो गया, तो आईसी ऑटोमेटिकली अपने आप को कुछ सेकेंड्स के लिए ऑफ कर देगा।
ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके आउटपुट के ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई भी है और आप उसको आराम से रेक्टिफाई कर सकें। ये इस आईसी का सबसे बेस्ट फीचर है। इसके लिए भी आपको कोई भी एक्सटर्नल सर्किट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और नंबर फिफ्थ के ऊपर फ्रेंड्स, आपको मैं ये बताता चलूँ कि इसके अंदर हमारे पास है लोड प्रोटेक्शन। लोड प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि जब आप इसको ऑन करते हैं, व्हेन यू टर्न इट ऑन, तो ये एकदम से आपके लोड के ऊपर आउटपुट नहीं भेजता। मींस के ये कुछ सेकंड्स के बाद, कुछ नैनो सेकंड के बाद आपके जो आउटपुट है यानी कि स्पीकर्स को आउटपुट भेजता है। और इसका ये सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको इसके